अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल तरन निशा। सो टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट कोर 8 फोर्थ सेमेस्टर प्लस 3 फोर्थ सेमेस्टर सिलेबस। सो कोर 8 पे आपको मैंने इसका सिलेबस, इस जैसे कि ये वीडियो में आप देख रहे हैं, ये सिलेबस है आपका। आपको ये सिलेबस के ही अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो बिना सिलेबस देखे ही पढ़ रहते हैं, और ज़्यादा भी मतलब जो एक्स्ट्रा होता है उसे भी पढ़ लेते हैं कम टाइम। हमें जो थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर पे, मतलब यूनिवर्सिटी, हमें ज़्यादा बहुत ही कम समय में हमको ये सब सिलेबस कंप्लीट करना होता है हमारे। हम इसीलिए मैं आपके लिए ये सिलेबस लाई हूँ, जिसके आपको इस सिलेबस से आपको इस मदद हो जाएगी कि आप खुद ही देख सकते हैं। जैसे कि सिलेबस में हम लोग पढ़ने से हमारे एग्ज़ाम में जो भी सारा क्वेश्चन आएगा वो सिलेबस के मुताबिक आएगा। आप ज़्यादा एक्स्ट्रा भी पढ़ लेने से आपके पास नॉलेज हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कम समय में कैसे सिलेबस कवर करना है वो देखना है। तो ये सिलेबस है हमारा फोर्थ सेमेस्टर का कोर 8, जैसे कि आप देख रहे हैं। सो यहाँ पे सिलेबस यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट लास्ट पे, जैसे कि आप थोड़ा मैं इसे दिखा दूँ, ये मतलब ये 4 है, यूनिट 4। सो पहला तो है हमारा, मतलब सेकंड यूनिट है जनरल इक्विलिब्रियम, एफिशिएंसी एंड वर्कफेयर। सेकंड थर्ड यूनिट है मार्केट, मार्केट स्ट्रक्चर, जैसे कि मतलब मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट, उस विषय में हम पढ़ेंगे। देन एक नया टॉपिक है, ये सभी आपके लिए नया ही है, गेम थ्योरी। गेम थ्योरी पे जाता है जैसे कि पेफल इक्विलिब्रियम, फिक्स स्ट्रैटेजीज क्या होता है, आपको बहुत सारा मतलब इस पर पढ़ना है, फोकस करना है कैसे मतलब कम समय में, यानी सिक्स मंथ अराउंड, अभी तो और 6 मंथ भी नहीं है सेमेस्टर होने को, और कम ही टाइम पे आपका सेमेस्टर हो जाएगा। जैसे कि मैं आपके पास मतलब आज आपके लिए हम जो फोर्थ सेमेस्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बुक भी लाई हूँ, जो कि जिसके ऑथर हैं हमारे बीटी मांझी एंड टिया जैन। सो आप सभी को बीए सेमेस्टर 4, मतलब ये हमारा बेस्ट ऑन सिलेबस ये बुक है, आप जब चाहें तो आपके लाइब्रेरी पे जाके खरीद लेके आ सकते हैं, या तो फिर बुक स्टोर से जाके खरीद सकते हैं। और के पाणी और एक ऑथर है जिसके साथ मतलब जिसके मदद से आप बहुत ही अच्छे से वहाँ वो उस बुक पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, हर वो चीज़ आपके लिए है। सो स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि आपको पता ही होगा 80/20 रूल, मतलब हमें 100% से 8% हमें एफर्ट्स खुद का देना है, और 20% हम टॉपर भी नहीं होना चाहते, क्योंकि मतलब हाँ, जब जैसे टॉपर होना है तो 100% मतलब सिलेबस का 100% दे सकता है, अच्छे से हर एक चीज़ को पढ़ सकता है। तो 20/80 रूल्स आपको तो पता होगा, क्योंकि हर एवरेज स्टूडेंट, जैसे कि 70-80% रखने वाले स्टूडेंट को मतलब वो रूल फॉलो करने से आपको बहुत ही मदद आ जाएगी। सो आपको मैं बुक दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि देख लीजिए, ये बुक है आपका, मतलब टिया जैन एंड बीटी मांझी ऑथर हैं। देख लीजिए, जैसे ये बुक दिखाई दे रहा है, मतलब इकोनॉमिक्स है तो इस पे डिमांड सप्लाई एक तरह का ये बुक है। सो आपको ख़रीद के या तो फिर पीडीएफ के मदद से इसे पढ़ाई करना है, जिससे आप अच्छा स्कोर कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर, मतलब दोस्तों को शेयर करो, वो भी जानना चाहते हैं। आप जब ये वीडियो को आपके पास पहुँचा तो आप भी अपने दोस्तों के साथ पहुँचाइए, दोस्तों को मदद कीजिए, दोस्त मतलब आप भी अच्छा रखिए और दोस्तों को भी मौका दीजिए वो भी अच्छा रखे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड सिलेबस भी आपके पास है, अभी आप जाके फ़ोन पे अपने सर्च करके भी खुद पढ़ाई कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।